हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस बार ट्वेल्थ में है और जिनको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप भी इस बार ट्वेल्थ में और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है विलयन, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं सबको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यानी कि आज विलयन चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं सबको सॉल्व करके हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का खात्मा करेंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बस इतना न्यूमेरिकल पढ़ लेना विलयन चैप्टर से, बस इतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और केमिस्ट्री में टेंशन ही क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल है, एक विलयन, एक विद्युत रसायन में थोड़ा बहुत है, उसके बाद में रासायनिक बलगत की। तो आज हम विलयन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो लेकिन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हम आज ही कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये मोलरता से रिलेटेड है। देखो आपका जो चैप्टर 1 है इसमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, यही सब टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम मोलरता का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर मोललता का, फिर मोल प्रभाज का, उसके बाद में क्वथनांक में उन्नयन का, क्वथनांक में अवनमन का, 5 टॉपिक के 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को आज पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, आप सभी को पता होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता कितनी होगी। देखो अब आप ये पहले पहचानो कि इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। देखो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 500 ml जल है, तो इसमें किसकी मात्रा कम है, 40 ग्राम कम है यानी कि ये विलेय होगा। देखो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और 500 ml जल में घोला गया है ये विलायक है, यहां पे हम इसको विलयन मानेंगे, ठीक है। विलयन का ये आयतन दिया गया है, विलयन की मोललता आपको, मोलरता आपको निकालनी है। अब ध्यान से समझना, पहले जो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे विलेय का भार हमें दिया गया है। देखो विलेय, अब विलेय क्या है, विलेय आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे NaOH, ठीक है। इसका भार हमें दिया गया है, इसका भार यानी कि विलेय का भार हमें दिया गया है, कितना है देखो 40 ग्राम हमें दिया गया है, 40 ग्राम। अब एक काम करते हैं, यहां पे विलेय का अणुभार भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो विलेय का, विलेय आपका वही है NaOH, NaOH, ठीक है। इसका अणुभार, अणुभार देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो जो दिया गया उसको पहले हम लोग लिखेंगे, इसके अणुभार को कैसे निकालेंगे। देखो सोडियम का अणुभार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो देखो सोडियम का हम 23 लिख देंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हम 16 लिख देंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 16, 39 और 1 40, ये भी आएगा, ये विलेय का अणुभार होगा। अब देखिए भैया यहां पे हमें विलयन का आयतन तो दिया ही गया है 500 मिलीलीटर, इसको अभी हम नहीं लिखते हैं। पहले एक बात बताओ, आपको विलयन की मोलरता का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है विलयन की मोलरता, बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या पान विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए विलयन का आयतन तो हमें 500 ml दिया गया, अभी इसको लीटर में बदल देंगे, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखो विलेय आपका NaOH है, इसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, यानी कि आप भार में से अणुभार को डिवाइड कर दो तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। लिखो यहां पे विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे स्टूडेंट, वो होता है विलेय का भार, विलेय का भार अपान
विलेय का अणुभार, ये फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या का। देखो ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, कुछ है नहीं सब में, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब पूरा न्यूमेरिकल समझना, न्यूमेरिकल का आज हम सफाया कर देंगे। देखो विलेय का भार हमें कितना दिया गया, ऊपर देखो 40 ग्राम है, अणुभार भी हमने 40 ग्राम ही निकाला है, देखो ऊपर ये अणुभार, ठीक है, ये भी जोड़ने पर 40 ही आया है। इसको काट देंगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो यहां पे अब हम लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या हमारी कितनी आ गई, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया एक मोल। देखो मोलों की संख्या है तो मोल लिख देंगे, ठीक, तो मोलों की संख्या हमने निकाल दी। अब देखिए आपको दिया गया है विलयन का आयतन, देखो 500 मिलीलीटर जल में इसको घोला गया है, तो ये हमें विलयन का आयतन दिया गया है कि कितने लीटर जल में घोला गया है। तो विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन ये हमें दिया गया है 500 ml, कितना दिया गया है 500 मिलीलीटर या ml आप लिख सकते हैं। अब एक काम करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस 500 ml को आप पहले लीटर में बदलोगे, तो कैसे बदलोगे, देखो 500 ml है, अब आपको ये भी पता है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 500 ml को अगर आपको लीटर में बदलना है तो लिखोगे 500 को आप 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 5/10, इसको कट करोगे तो आपका 0.5 आएगा, ठीक है 0.5, इसको कट भी कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 0.5 लीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा। तो हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल गई, एक मोल है, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में 0.5 लीटर है। अब हम मोलरता यहां पे निकाल लेंगे बहुत आसानी से, तो लिखेंगे विलयन की मोलरता, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है, विलेय के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन लीटर मिलेंगे, ठीक है, लीटर में आपको लेना, अगर मिली लीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग हाईलाइट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब विलयन की मोलरता हमें निकालनी है, देखो विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाली थी, एक मोल आया था, विलयन का आयतन 0.5 है, तो भैया क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर एक कर देंगे, विलयन का आयतन 0.5 है, अब ये एक है ये आधा है, तो 0.5 × 2 = 1 होता है, ये 2 आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो विलयन की मोलरता हमारी फाइनली आ जाएगी, देखो विलयन की मोलरता मोलरता ये कितनी आ गई स्टूडेंट, ये 2 आया, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति मोल, मोर नहीं, मोल प्रति लीटर, क्यों, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल और विलयन के आयतन का मात्रक लीटर, तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लग गया, कुछ था नहीं इसमें, मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। देखो हमें यहाँ पे विलेय का भार दिया गया था, अणुभार हमने निकाल लिया क्योंकि दिया गया था, विलेय के मोलों की संख्या हमने दोनों से निकाल ली, भार बटा अणुभार 1 आया, विलेय के मोलों की संख्या 1 आ गई, विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर दिया गया था, इसको मैंने लीटर में बदला तो 0.5 लीटर आया। अब विलयन की मोलरता हमने निकाल ली, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया, हमारा विलयन की मोलरता 2 मोल प्रति लीटर आ गई, बस हो गया ये न्यूमेरिकल सॉल्व। मोलरता निकालना सीख गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। चलो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है इसमें हमें मोललता निकालना है। देखो मोलरता दूसरी चीज है, मोललता दूसरी चीज है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनके फॉर्मूले में, अभी मैं बताऊंगा। देखो क्या है क्वेश्चन, दूसरा पढ़ो, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है।
तो सिंपल सा दिया गया है कि विलायक का भार 440 ग्राम है और विलेय का भार 20 ग्राम है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक होगा, ठीक है। तो आपको Na की अकार्ण भार 23, O का 16, H का हाइड्रोजन का 1 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, देखो वही चीजें लिखनी है, बस आपको इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना है। देखो विलेय की मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या पान विलायक का भार किलोग्राम में। वहां पे विलेय का आयतन लीटर में था, यहां पे विलायक का भार केवल किलोग्राम में रहेगा। तो पहले लिखते हैं विलेय का भार, जो जो दिया गया वैसे निकालेंगे जैसे उसमें निकाला था हमने विलेय का भार। अब विलेय NaOH है, आप ब्रेकेट में NaOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया गया है 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया गया, ऐसे लिखेंगे खूब प्यार से, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे विलायक विलेय का अणु भार लिखेंगे, विलेय विलेय आपका NaOH है, मैं ब्रेकेट में लिख देता हूं, बेटर रहेगा, ठीक है। NaOH का अणु भार, अणु भार, ठीक है, ये हमें दिया गया है कितना, देखो वही जोड़ो 23, 16, 1, तीनों को जोड़ेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो आपका 40 ये आएगा। चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या यहां से निकाल लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। सिंपली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, ठीक है। ये हमने लिख दिया, हम लिखते चल रहे हैं साथ में ताकि आपको बेटर समझ में आए कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल आपको पता चल सके। विलेय का भार 20 ग्राम है और विलेय का अणु भार 40 ग्राम है, इसको कट करोगे 2 × 2 = 2, 2 × 4, यानी कि ये आएगा 1/2, इसको भी कट करोगे तो फाइनली जो आपका आएगा वो आएगा 0.5 मोल। 1/2 को जब कट करेंगे 1 को 2 से तो 0.5 ही आएगा, तो 0.5 मोल हमारा आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, ये हमारी आ गई। अब हम लिखते हैं विलायक का भार भी हमें दिया गया, देखो 440 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो विलायक का भार लिखेंगे, विलायक का भार, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट हमें दिया गया है 440 ग्राम, ठीक है, ग्राम दिया गया है। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो वही प्रोसेस जो मैंने उसमें बताया था आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखो 440 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 440 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कट हो गया, 44/100 आ गया, 44 को जो 100 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 0.44 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.44 किलोग्राम, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस हमें देखो क्या क्या पता चल गया, ठीक है, देखो हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल गई, विलायक का भार किलोग्राम में पता चल गया। अब हम मोललता को निकाल लेंगे, तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कितना आएगा विलयन की मोललता, तो फॉर्मूला वही होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, ऊपर यही रहेगा, नीचे सिर्फ बदल जाएगा थोड़ा सा, विलायक का भार किलोग्राम में हो जाएगा, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहां से हम मोललता को निकाल लेंगे, देखो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर देखोगे तो 0.5 आया था, ठीक है, विलायक का भार 0.44 है तो ये 0.5 हो जाएगा अपान 0.44 हो जाएगा। जब आप 0.5 को 0.44 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका आएगा
1.13 आएगा, एप्रोक्स इतना आएगा मोललता। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 1.13 मोल प्रति किलोग्राम, यहां पर रहेगा मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि यहां पर विलायक का भार किलोग्राम में है तो इसका मात्रक बदल जाएगा, वहां पे लीटर में था तो मोल प्रति लीटर मात्रक था, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व। देखो इसमें भी कुछ था नहीं, हमें विलेय का भार दिया गया था, हमने लिखा अणु भार निकाला, मोलों की संख्या हमने निकाल ली, भार बटा अणु भार 0.5 आया। ठीक है, फिर विलायक का भार किलोग्राम में हमने कन्वर्ट किया 0.44 किलोग्राम आया, फिर विलयन की मोललता का फॉर्मूला लगाया, विलेय के मोलों की संख्या पान विलायक का भार किलोग्राम में, और हमारा फाइनली विलयन की मोललता आ गई 1.13 मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता निकालना भी हम सीख गए स्टूडेंट, ऐसे निकालोगे बस कुछ है नहीं, आप विलेय का भार उसका अणुभार पता लगा लो, मोलों की संख्या निकाल दो, ठीक है, फिर विलायक का भार आप निकाल दो किलोग्राम में, बस फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से समझना, इसमें हमें मोल प्रभाज निकालना है, वो भी दो दो यौगिक का। देखो 72 यानी कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कार्बन का अणुभार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 दिया गया है। ठीक है, अब पहले ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है, जैसे 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, ठीक है, दोनों के मिश्रण में आपको दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम 72 ग्राम जल को विलेय मान सकते हैं, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को विलायक मान सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा कम है इसकी ज्यादा है, बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट जल का भार लिखेंगे, जल का अणुभार लिखेंगे, फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, भार बटा अणुभार, फिर एथिल अल्कोहल का भार लिखेंगे, उसका अणुभार लिखेंगे, फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब आपका फॉर्मूला होता है मोल प्रभाज का, कि जैसे आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है जल का, तो जल के मोलों की संख्या अपान जल और एथिल अल्कोहल दोनों की मोलों की संख्या, मतलब आपको ऊपर जल के मोलों की संख्या लिखनी है, नीचे जो दोनों उपस्थित हैं इसमें उसके मोलों की संख्या लिखनी है, उसका मोल प्रभाज आ जाएगा। तो पहले लिखो जल का भार, देखो विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जल का भार हम पहले लिखते हैं, अभी देखना समझ में आ जाएगा, पर लास्ट तक ध्यान से देखना। जल का भार हमें दिया गया, जल का फॉर्मूला देखो, जल का भार है 72 ग्राम, ठीक है 72 ग्राम। अब जल का अणुभार निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या पता है किसी को, क्या किसी को पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का H2O होता है कि नहीं होता है, H2O होता है कि नहीं, H2O। तो देखो हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन दो हाइड्रोजन है तो ये दो हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे हाइड्रोजन का अणुभार एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो जल का अणुभार 18 आ गया। ठीक है, अब जल के मोलों की संख्या यहीं पर निकाल लेते हैं लगे हाथ, जल के मोलों की संख्या एक एक को हम सॉल्व करते चलेंगे, टेंशन मत लेना, मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जल का भार बटा जल का अणुभार, देखो मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, जल का भार 72 ग्राम है, ठीक है, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अणुभार है 18 ग्राम, जल का भार बटा जल का अणुभार इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि जल के मोलों की संख्या निकालना है, अभी अभी मैंने मोलों की संख्या निकालना तो सिखाया आपको, अब 18 ये 72 है, ये 18 × 4 = 72 होगा, ये 4 आएगा, मतलब जल के मोलों की संख्या अगर देखा जाए तो हमारी आ गई, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, जल के मोलों की संख्या, ठीक है, ये आ गई मेरे स्टूडेंट 4 आ गई, ठीक 4 आ गया। देखो यहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलों की संख्या जब निकालेंगे, जल का भार बटा जल का अणुभार, अब जल के मोलों की संख्या तो पता चल गई, अब एथिल अल्कोहल का भार लिखेंगे, फिर एथिल अल्कोहल का अणुभार लिखेंगे, फिर इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तब उसके बाद हम एक एक का मोल प्रभाज निकालेंगे, क्योंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको दोनों यौगिक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का भार देखो, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH, पता होगा आपको C2H5OH का भार हमें दिया गया है 92 ग्राम, कितना 92 ग्राम, ठीक है, इसका अणुभार निकालेंगे, अब C2H5OH का
अणु भार, अणु भार, ठीक है, ये कितना होगा? देखो C2, देखो मैंने ऊपर बताया था कार्बन का जो होता है स्टूडेंट 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो C2 है यानी कि 12 का 2 से गुणा होगा क्योंकि कार्बन 2 है, 1 का 12 2 होगा तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, अणु भार 5 है तो 5 का 1 से गुणा होगा 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 ही होता है और हाइड्रोजन 1 और है इसका 1 होता है, सबको जोड़ो कितना आएगा, 24 5 29, 29 से 30, 30 और 16 46 आ जाएगा, ये 46। अब इसका इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH का भार बटा अणु भार, तो भार कितना है, देखो इसके मोलों की संख्या निकालिए तो भार को अणु भार से डिवाइड कर दो, भार है 92 ग्राम, अणु भार है 46 ग्राम, तो 46 1 जा 46, 46 2 जा 92 यानी कि ये 2 आएगा, तो C2H5OH के मोलों की संख्या आ गई 2। मैं नीचे लिख दूंगा एक बार पुनः, C2H5OH के मोलों की संख्या, ये आ गई स्टूडेंट 2, ठीक है, ये कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने किया क्या, कुछ नहीं भाई मेरे, जल का भार दिया गया था, अणु भार मैंने निकाल के इसके मोलों की संख्या निकाल ली, 4 आया, फिर C2H5OH का भार दिया गया था, अणु भार निकाल के उसके मोलों की संख्या निकाल ली, 2 आया। अब आपको एक एक का मोल प्रभाज निकालना है, हम पहले जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, पहले जल का निकाला जाए, हाँ जल का, चल जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है ऊपर उसके मोलों की संख्या लिखनी है, जल के मोलों की संख्या, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है जो विलयन में दोनों जो घटक हैं जल और एथिल अल्कोहल दोनों हैं, देखो ध्यान देना, अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो इसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना होता तो ऊपर नीचे उसको दोनों जगह लिखते, मतलब जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोलों की संख्या अपान जो विलयन में दोनों घटक हैं, जैसे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ठीक है, प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, मतलब जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, बाकी साथ में नीचे दूसरे घटक को भी लिख देंगे। अब देखो जल के मोलों की संख्या हमने निकाली थी ऊपर, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो 4 मैंने निकाला था, ठीक है, और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, तो ऊपर जल के मोलों की संख्या तो 4 लिख देंगे अपान, नीचे जल और एथिल अल्कोहल दोनों है, तो 4 अपान 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 बटा 6, इसको कट करोगे 4 को 6 से तो आपका आएगा लगभग लगभग 0.667 ऐसे कुछ आएगा, ये देखो 0.667, तो हमारा जल का मोल प्रभाज आ गया मेरे दोस्त, जल का मोल प्रभाज कितना आया, ये जल का मोल प्रभाज आ गया 0.667 आ गया, ठीक है, तो हमें दोनों का निकालना है, देखो ऊपर 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए, तो जल का तो हमने निकाल दिया 0.667, अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालते हैं, और एक चीज और याद रखिएगा, दोनों घटक के मोल प्रभाज का जो योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब चलो निकालते हैं दूसरी चीज, यहीं पे मैं निकाल देता हूं, ऊपर पेज रख के देखो, अब निकालते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज, ठीक है, इसको निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ऊपर लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान नीचे हम दोनों घटक को लिख देंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, प्लस जल के मोलों की संख्या जो इसके साथ है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, मोलों की
संख्या, ठीक, ये हो गया, ये फॉर्मूला होगा, मतलब जिसका आपको मोल प्रभाव निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है। अब देखो C2H5OH के मोलों की संख्या हमने निकाली थी दो, दो निकाला था तो दो मैंने लिख दिया नीचे। C2H5OH के मोलों की संख्या दो प्लस जल के मोलों की संख्या चार, ये हो जाएगा दो बटा छः, ये कितना होगा दो बटा छः, अभी चार बटा छः था ये दो बटा छः होगा, इसको जब कट करोगे तो लगभग आएगा 0.333 आएगा, यानी कि C2H5OH का मोल प्रभाव जो होगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव, देखो C2H5OH का मोल प्रभाव, ठीक है, ये अप्रॉक्स होगा 0.333, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा C2H5OH के मोल प्रभाज आ गया, बस हो गया। अगर आप लोग देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, हमें जल का भार दिया गया था, अणुभार दिया गया था, हमने मोलों की संख्या निकाल ली। एथिल अल्कोहल का भार अणुभार दिया था, हमने मोलों की संख्या निकाल ली। जल का मोल प्रभाज निकालना था तो जल के मोलों की संख्या पांच, जल और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो ये आ गया जल का मोल प्रभाज 0.667। फिर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हमने निकाल लिया, ये 0.333 आया। तो अगर आप 0.667 को 0.333 से जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, अभी देखना। 0. मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको। 0.667 को आप 0.333 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, और यहाँ पे एक, देखो एक आया कि नहीं आया। बस यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे कि किसी भी दो घटक अवयवी घटक का मोल प्रभाज का योग जो होता है वो एक के बराबर होता है, और किसी भी घटक का मोल प्रभाज हमेशा एक से कम होता है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल है ये क्वथनांक में उन्नयन वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये उसी से रिलेटेड है। देखो ध्यान से समझना, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। देखो फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो मैंने बताया था मोलल क्वथनांक में उन्नयन वाला, लेकिन आपको अणुभार निकालना है। तो कैसे, देखो एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो 2.5 ग्राम जो है ये विलेय होगा, ये विलेय का भार है, 100 ग्राम बेंजीन है विलायक का भार है। घोलने पर क्वथनांक की 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ये 0.4 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक KB भी दिया गया है 2.67। अणुभार हमें निकालना है तो जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। देखो पहले हमें दिया गया विलेय का भार, विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल W से। ये हमें दिया गया स्टूडेंट, कितना दिया गया है, सिंपल सा है, 2.5 ग्राम दिया गया है, तो 2.5 ग्राम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में विलेय का भार हो गया, विलायक का भार हमें दिया गया है, विलायक का भार, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल W से। ये हमें दिया गया है 100 ग्राम बेंजीन है तो 100 ग्राम लिख देंगे, ठीक है 100 ग्राम। इसके बाद में हमें दिया गया कि इनको घोला गया तो क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। ये हमें दिया गया है 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये लो 0.4 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें दिया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक KB भी दिया गया है, देखो मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KB से। ये हमें दिया गया है 2.67, ऊपर देखो 2.67 आपको निकालना है। अणुभार जिसको हम M से डिनोट करते हैं ये निकालना है। तो देखो क्वथनांक में उन्नयन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। मैंने बताया था डेल्टा TB इक्वल टू आपका होता है 1000 × KB × small W /
कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है क्वथनांक के उन्नयन का। डेल्टा टी बी है क्वथनांक का उन्नयन, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल एम है अणु भार और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का अणु भार, विलायक का भार। ठीक है, अब देखो एम निकालना है तो एम को इधर ले जाएंगे, डेल्टा टी बी को यहां ले आएंगे, तो हमें अणु भार निकालना है एम, तो ऐसे कर देंगे एम इक्वल टू वो आपका ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 1000 गुड़े के बी गुड़े स्मॉल डब्ल्यू अपान, यहाँ पे एम के जगह पर डेल्टा टी बी हो जाएगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका। अब ये अणुभार का फॉर्मूला आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एम इक्वल टू आपका होगा, ध्यान से समझना, ये 1000 है, चलो 1000 को 1000 ही रहने देंगे। के बी की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो, ये 2.67 है, तो इसको लिखेंगे 2.67 गुड़े स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो, ये 2.5 है, तो इसको लिख देंगे 2.5। ठीक है, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है इसको भी ऊपर देखते हैं, ये देखो डेल्टा टीवी 0.4 डिग्री सेल्सियस है और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 1000 है, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू है 0.4 और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100 है शायद, देखो ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100 है विलायक का भार। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो मेरे स्टूडेंट, क्या करना है आपको देखो, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो आप क्या कीजिए, ये 1000 है, 1000 में से आप 100 को इससे गुणा कर दीजिए 2.67 को, तो 2.67 को अगर 100 से गुणा करोगे तो 267 आएगा, 267 गुणे, और 2.5 को 10 से, देखो यहां पे 1000 को हम अगर गुणा करेंगे तो 100 से इसको मैंने गुणा कर दिया 10 बचा, 10 को इससे गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ये लगभग इतना आएगा, मतलब इन दोनों का दशमलव हट जाएगा, दो इसका एक इसका, 3 0 है इसका, 3 दशमलव हट गया। ठीक है, 3 अंक अपान 0.4 को 100 से गुणा करोगे तो ये 40 आएगा, कितना 40। ठीक है, हाँ बिल्कुल आएगा। अब m इक्वल टू आपका होगा, देखो ये 267 गुणे 25 जब आप करोगे तो ये 6675 आएगा लगभग, अपान 40 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 166.875 कुछ ऐसे करके आएगा अणु भार, तो ये आ गया विलेय का अणु भार m इक्वल टू 166.875, इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस यही अणुभार इसका होगा स्टूडेंट, यही अणुभार हमें निकालना था। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, हमें न्यूमेरिकल में विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, क्वथनांक में उन्नयन दिया गया था, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया था, कैपिटल एम निकालना था, हमने डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगाया। अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना होगा, ये सब दिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो डेल्टा टीबी निकालना था, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये होता है, एम हमने एम का फॉर्मूला निकाला, इसको इधर ले गए इसको इधर लाए तो ये फॉर्मूला आया, हमने गुणा भाग कर दिया, हमारा जो अणुभार आया वो 166.875 ग्राम प्रति मोल आ गया, बस हो गया, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब इसको मैं हटाने जा रहा हूं, हम लोग अपना 5 नंबर न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर न्यूमेरिकल जो है ये हिमांक में अवनमन से रिलेटेड है, मतलब हिमांक में कमी जिसको बोलते हैं। देखो 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार इसमें भी आपको निकालना है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ जो है वो 1.86 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसमें भी विलेय का भार दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन के जगह पे हिमांक में अवनमन दिया गया, मतलब हिमांक में कमी 1.2 डिग्री सेल्सियस, और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक के जगह पे मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, अणुभार आपको निकालना। तो वही सेम चीजें, पहले आप विलेय का भार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन ये सब लिखिए, तो विलेय का भार ठीक है, लिखते हैं जो जो दिया गया, इसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 7.5 ग्राम दिया गया, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर विलायक का भार हमें दिया गया है, विलायक का भार इसको कैपिटल डब्ल्यू से नोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 75 ग्राम, ये देखो ऊपर 75 ग्राम दिया गया है, लिख देते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर हिमांक में अवनमन दिया गया है कमी 1.2 डिग्री सेल्सियस, तो हिमांक में
हिमांक में अवनमन, अवनमन इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा टी एफ से, इसको डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, उसको डेल्टा टी बी से करते थे क्वथनांक में उन्नयन को, इसको डेल्टा टी एफ से, ये 1.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया। पदार्थ का अभी एक चीज और दिया गया, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक हमें दिया गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, ये हमें दिया गया है, इसको डिनोट करते हैं के एफ से। ये देखो वहां पे के बी था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पे के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, ये 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया है। अणु भार हमें यहां पे निकालना है, अणु भार एम को ही निकालना है, तो यहां पे भी मोलल अवनमन स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, वही सेम प्रोसेस, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह यह भी फॉर्मूला लगभग रहता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। फॉर्मूला सेम है मेरे दोस्त, बस फर्क क्या है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी एफ की जगह पर वहां पे डेल्टा टी बी था, के एफ की जगह पे वहां पे के बी था, बस बाकी सेम फॉर्मूला है, ये ट्रिक है इसका फॉर्मूला याद रखने का। यहां से एम निकालना है तो एम को इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो एम अणुभार हमें निकालना है, तो एम इक्वल टू होगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा अणु भार का। चलो अणु भार हमें निकालना था, अब यहां से हम वैल्यू को रखते हैं, देखो एम इक्वल टू 1000 आपका ऐसे ही रहेगा इंटू के एफ की वैल्यू, देखो के एफ की वैल्यू 1.86 है, तो 1.86 मैंने लिख दिया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू विलय का भार है 7.5, तो इसको लिख दिया 7.5। डेल्टा टी एफ मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक है 1.86, सॉरी यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ 1.2 है, तो इसको लिख देंगे 1.2, बिल्कुल सही है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है 75 ग्राम, इसको 75 लिख देंगे, ठीक, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो वही प्रोसेस, यहां पे 1000 को जब आप 1.86 और 7.5 से गुणा करेंगे, देखो इसका 2 जीरो इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 186 बचेगा, गुड़े ये 7.5 10 इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 75 बचेगा, मतलब ये 1000 है, तो 2 जीरो इससे एडजस्ट हो गया, एक इससे एडजस्ट हो गया, नीचे बचा 1.2 गुड़े 75 बचा, 75 से 75 कट कर दो, देखो ये 75 ये 75 कट हो गया, बचा क्या हमारा, ध्यान देना थोड़ा इजी मैं बना रहा हूं, एम इक्वल टू देखो 186/1.2 बचा। अब इसको एक काम और कर सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर 10 से गुणा कर दें और नीचे भी 10 से गुणा कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा 1860/12 आ जाएगा। अब इसको जब आप कट करोगे मेरे भाई, कितना इजी मैंने बना दिया, तो 155 लगभग आएगा, 1860 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो एम इक्वल टू आपका अणुभार जो आएगा वो 155 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, अप्रोक्स यही आपका आंसर हो जाएगा, ये अणुभार निकल गया है। तो हमें करना क्या था, विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, हिमांक में अवनमन दिया था, मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया था, अणुभार निकालना था, मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला ये होता है, हमने अणुभार का फॉर्मूला निकाल लिया और अणुभार के फॉर्मूले पर रखकर हमने अणुभार निकाल लिया 155 ग्राम प्रति मोल, बस हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास हमारा है वो यहीं पर फिनिश होगा, हमने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलयन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे सबको सॉल्व करा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बाकी जो बचा है हम उसको भी पढ़ाते रहेंगे, जो टॉपिक्स हैं टेंशन मत लेना, पढ़ाते भी हैं, विलयन पूरे चैप्टर को भी मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।